आइए हम सभी इस वीडियो के माध्यम से एक प्रेरणादायी कथा सुनते हैं, महात्मा का कुआं। ये महात्मा नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है, जो धर्मदास जैसे मूर्ख की आंख खोलने के लिए धरती पर आए हैं। एक गांव में धर्मदास नामक कंजूस रहता था। बातें बड़ी ही अच्छी करता था, पर था महाकंजूस। वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन एक महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया। महात्मा वहीं खड़े रहे, तब वह उन्हें आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब मैं तो आधी रोटी नहीं, पेट भर के खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख से मर गया तो मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद रखोगे, आओ पेट भर कर खाना खा लो। पर अब महात्मा ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। अब लो, कुआं बीच में कहां से आ गया, धर्मदास ने महात्मा से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। महात्मा वहीं खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने महात्मा को भूखा प्यासा वहीं खड़ा पाया तो सोचा कि इस महात्मा के कारण तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और कहा, बाबा मैं एक कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे अब मैं कुछ नहीं दूंगा। महात्मा ने फिर कहा, नहीं एक नहीं, अब दो कुआं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास ने सोचा कि अगर अब मैंने मना किया तो यह कुछ और मांग बैठेगा। धर्मदास ने चुपचाप बात मान ली। कुएं तैयार हो गए। अब महात्मा ने कहा, दो कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, मेरे कुएं से कोई पानी नहीं पिएगा। साथ ही महात्मा ने धर्मदास से कहा, तुम्हें अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना पड़ेगा, जब मैं वापस आकर इसका पानी पीऊँगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज़ धर्मदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। कुएं से चाहे पानी जितना भी निकालते, वह पानी कम न होता। गांव वाले निहाल हो गए। महात्मा और सेठ धर्मदास का गुणगान करने लगे। एक वर्ष बाद महात्मा फिर गांव में आए और धर्मदास से बोले कि दूसरा कुआं भी खोल दिया जाए। धर्मदास ने ढक्कन हटवा दिया। सभी यह देख कर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। पर उसे इस्तेमाल ना करे तो वह सूख जाता है और सड़ जाता है, किसी काम में नहीं आता। कुएं के पानी की तरह ही ज्ञान है और धन दौलत है। इन सभी की भी तीन गतियां हैं, सदुपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत और ज्ञान का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह वह व्यर्थ और निरर्थक पड़े रहते हैं। जय हो प्रभु।